नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कला द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत निहित रीतिकाल के सामान्य परिचय पर बात करेंगे। जैसा कि हमें विदित है, हिंदी साहित्य के इतिहास को चार कालों में विभक्त किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। द्वितीय वर्ष में हम रीतिकाल के कवियों का अध्ययन कर रहे हैं। उस दृष्टिकोण से रीतिकाल का सामान्य परिचय हमें होना चाहिए। रीतिकाल में कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित रही, किस तरह का काव्य लेखन किया गया, उस पर हम सामान्य बात करेंगे। रीतिकाल का जो समय निर्धारण है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है और लगभग सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार्य है, संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत, यह रीतिकाल का समय है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम से भी जो है वो परिभाषित किया है, जिसमें अलंकृत काल, कला काल, श्रृंगार काल आदि नाम प्रमुख है, लेकिन रीतिकाल के रूप में ही इस काल को मान्यता मिली। सर्वप्रथम हम देखें कि रीतिकाल के आने की जो पृष्ठभूमि है, भक्तिकाल के पश्चात रीतिकाल के उद्भव की जो प्रमुख परिस्थिति अगर हम देखें, तो उसमें हम देखेंगे कि साहित्य में कभी एक ही तरह की धारा लंबे समय तक प्रवाहित नहीं हो पाती। जैसे ही परिस्थितियां परिवर्तित होती है, उसी के साथ लोकमानस भी परिवर्तित होता है, और यही एक कारण है कि भक्ति साहित्य के आधिक्य के चलते एक समय के पश्चात जो हमारा साहित्य है, जो कविता है, वह दरबार की ओर प्रवृत्त हुई, दरबारी संस्कृति का विकास हुआ, और कवि जो कि स्वतंत्र स्वभाव का होता है, जो किसी का बंधन स्वीकार नहीं करता, वह राजा और महाराजाओं के सामंतों के आश्रय में रहकर कविता करने लगे। रीतिकाल के अंतर्गत दो प्रवृत्तियों को हम प्रमुख रूप से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम कि यह जो सारा का सारा काव्य है, वह दरबारी संस्कृति का काव्य है, राजाओं के आश्रय में रहकर लिखा गया काव्य है। इसमें नारी सौंदर्य के नक्षिक वर्णन को और काव्य ग्रंथों के, काव्य लक्षण ग्रंथों के निर्माण को अधिक महत्व दिया गया। इस काल के कवियों में आचार्य बनने की भी होड़ रही। बहुसंख्यक कवियों ने काव्य लक्षणों के ग्रंथ भी लिखे। काव्य लक्षण से तात्पर्य है छंद, अलंकार, रस, रीति इत्यादि। रीतिकाल के कवियों को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने रीतियों में बंधकर कविता लिखी। या रीतियों में बंधने का तात्पर्य यह है कि वे दरबारी संस्कृति में लिख रहे थे। वे काव्य लक्षण या काव्य लक्षण के जो ग्रंथ हैं उनका निर्माण कर रहे थे, जिसमें केशवदास, मतीराम, भूषण देव, पद्माकर इत्यादि नाम हम ले सकते हैं। दूसरी जो श्रेणी है वह है रीतिमुक्त कवियों की। रीतिमुक्त कवियों के अंतर्गत वे कवि है जो अपना लेखन तो रीतिकाल में ही कर रहे थे, लेकिन वे रीतियों से मुक्त थे। रीतियों से मुक्त रहने का तात्पर्य यह है कि वे निश्चित रूप से किसी राजा के दरबार में नहीं थे, वे दरबारी संस्कृति की अनुपालना नहीं कर रहे थे, वे काव्य लक्षण के ग्रंथों का निर्माण नहीं कर रहे थे। ऐसे कवियों में घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर इत्यादि प्रमुख है। तीसरी श्रेणी में हम जिन कवियों को ले सकते हैं, जो तीसरी श्रेणी है वह है रीतिसिद्ध कवियों की। रीतिसिद्ध कवि के अंतर्गत मुख्य रूप से हम बिहारी का नाम ले सकते हैं। रीतिसिद्ध कवि वह श्रेणी है जो कवि बिहारी रीतिकाल में ही लिख रहे हैं, दरबारी संस्कृति में भी लिख रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका जो साहित्य है वह बंदी बंदाई रीतियों से कुछ परे हो जाता है, वहाँ भक्ति भी है, वहाँ नीति भी है और नक्षिक वर्णन भी है, अगर नायिका सौंदर्य भी है, तो वह जो है वो एक विशेष प्रकार का विधान लिए हुए है। वहाँ कहीं भी अश्लीलता नहीं है, उच्च श्रृंखलता नहीं है, इस वजह से उन्हें विद्वानों ने रीतिसिद्ध श्रेणी में रखा है। इस तरह रीतिकाल के कवियों को हम इन तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। आगे हम देखें रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखें नारी चित्रण। रीतिकाल के कवियों का जो प्रमुख विषय है वह नायिका सौंदर्य है। नायिका सौंदर्य बहुतायत में किया गया है, उसका नक्षिक वर्णन सिर से लेकर पैरों तक
उसके संपूर्ण सौंदर्य का वर्णन करना रीतिकाल के कवियों का प्रमुख विषय रहा है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, आलंबन उद्दीपन दो रूप में प्रकृति का चित्रण होता है। तो उद्दीपन रूप में चित्रण करने का तात्पर्य यह है कि नायक और नायिका की मन स्थिति के अनुरूप प्रकृति का चित्रण करना। प्रेम की दुर्वृत्ति, प्रेम चूंकि त्याग सात्विकता का नाम है, अनुपम भाव है, उस प्रेम को रीतिकाल के कवियों ने यह लौकिक दृष्टिकोण से देखा। वे उसे सामान्य धरातल पर देखते हैं, उसकी भावात्मकता की जगह उसकी शारीरिकता को वो अधिक प्रशय देते हैं। भक्ति और वैराग्य का समन्वय, चूंकि रीतिकाल भक्तिकाल से होते हुए आया है तो रीतिकाल तक आते आते चूंकि कविता जो है वो रीति प्रवृत्ति की जा रही है, श्रृंगार की जा रही है, नायिका सौंदर्य की जा रही है, तो एक विशेष प्रकार का समन्वय भी हमें श्रृंगार और भक्ति का देखने को मिलता है। वीर और नीति का काव्य भी इसमें रचा गया, वीर काव्य के लिए भूषण का नाम हम ले सकते हैं। नीतिगत काव्य हमें विधिविध कवियों के साथ बिहारी में मुख्य रूप से प्राप्त होता है। अपने आश्रयदातों की प्रशंसा करना रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रही है। काव्य का जो रूप है उसमें मुख्य प्रवृत्ति मुक्तक वृत्ति की रही है। केशवदास ने वैसे प्रबंध भी लिखे हैं, लेकिन बहुसंख्यक कवियों ने जो है वो मुक्तक के रूप में ही जो है वो अपना काव्य लिखा है। रीतिकाल की सबसे प्रमुख विशेषता यदि हम देखें तो यहाँ पर कला पक्ष की प्रधानता है। भाव पक्ष और कला पक्ष किसी भी संपूर्ण साहित्य के दो पक्ष है, किसी भी रचना के ये दो पक्ष होते हैं। कला पक्ष की तरफ विद्वानों ने अधिक ध्यान दिया है, वे अलंकार छंद और कला के दृष्टिकोण से कविता का जो महिमा मंडन है, जो उसे आभूषण पहनाने की प्रवृत्ति है, उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। भाषा के रूप में संपूर्ण रीतिकाल की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा को ही संपूर्ण रीतिकाल के कवियों ने अपने काव्य लेखन की भाषा बनाया है।